हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 7 के एग्जांपल्स। तो अगर अभी तक आप लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला की इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देखें। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आया है, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर हमने डिस्कस की हुई हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल। फर्स्ट, डू द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं आपके पास, फॉर्म अ ट्राइंगल, क्या ये पॉइंट्स ट्राइंगल फॉर्म करते हैं? इफ सो, अगर करते हैं तो नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल, तो उस ट्राइंगल का नाम बताओ। तो अभी तक हमें इतना पता है ट्राइंगल्स के बारे में, थोड़े बहुत तो पता ही है कि अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दो साइड्स इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अगर इस तरह से है यहाँ पर जिसका हाइपोटेन्यूज का जो सम होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल आ जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। तो अब हम देखने वाले हैं कौन से टाइप का ट्राइंगल बनता है, ठीक है। उससे पहले तो हम पहले ये चेक भी कर लेते हैं कि वो ट्राइंगल बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, इसको नाम दे देती हूँ बी, इसको नाम दे देती हूँ सी। तो मान लीजिए कोई एक रैंडम ट्राइंगल है, ये है ए बी सी। तो अब ए बी का मैं क्या निकालने वाली हूँ, लेंथ निकालने वाली हूँ। लेंथ के लिए मतलब क्या है, डिस्टेंस, यानी कि ए बी एक दूसरे से कितनी दूर है, ठीक है। तो मैं निकालने वाली हूँ यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस। तो जिसके लिए मैं इसको मान लेती हूँ एक्स वन, इसको मान लेती हूँ वाई वन, ये है एक्स टू, ये है वाई टू, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट टू। तो चलिए मैं निकालने वाली हूँ अब ए बी का डिस्टेंस। क्या होता है ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो अब क्या करने वाले हैं, हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करने वाले हैं। एक्स टू की वैल्यू क्या है, माइनस टू, माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है, थ्री होल स्क्वायर, वाई टू इज माइनस थ्री, माइनस वाई वन इज टू। सॉल्व करते हैं, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव का होल स्क्वायर, माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव का होल स्क्वायर, माइनस फाइव का होल स्क्वायर इज 25, सिमिलरली 25, तो ये आ गया रूट 50। तो हम 50 के अगर फैक्टर्स बनाएं तो क्या बन सकते हैं आपके पास, 50, 2, 25, 5, तो यानी कि ये पेयर बन गया, तो ये आ जाएगा 5 बाहर और अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 रूट 2 यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब मुझे नहीं पता सेंटीमीटर है या मीटर है, क्या है मुझे नहीं पता, तो यूनिट्स लिख दिया हमने वहाँ पर। तो ए बी की क्या लेंथ कितनी आ गई है, 5 रूट 2। सिमिलरली अब मैं बात करती हूँ बी सी की लेंथ फाइंड करते हैं। तो बी सी की लेंथ फाइंड करने के लिए ये तो मैंने माना ही हुआ है एक्स टू वाई टू है, तो इसको मान लेते हैं एक्स वन फाइव वन मान लेते हैं। तो अब मैं निकालने वाली हूँ किसकी लेंथ, बी सी की। तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा। तो एक्स टू, एक्स टू आपके पास ये है माइनस टू, माइनस एक्स वन है टू, वाई टू है माइनस थ्री, माइनस वाई वन है थ्री। सॉल्व करते हैं इसको, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर का होल स्क्वायर, माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, माइनस फोर का होल स्क्वायर इज 16, माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इज 36। तो ये आ गया आपके पास 52। अब रूट 52 को अगर मैं बाहर निकालती हूँ इसके फैक्टर्स बना के, तो क्या निकलता है 52 का, 2 26 2 13। तो यानी कि अब ये 2 बाहर आएगा, 13 रूट के अंदर रहेगा, तो ये 2 रूट 13 यूनिट्स आ गया, ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास ए बी की लेंथ आ चुकी है, बी सी की लेंथ आ चुकी है। अब मुझे किसकी निकालनी है, ए सी की लेंथ निकालनी है। अब मैं इसकी अगर लेंथ निकाल लेती हूँ, देखिए अगर दो लेंथ, तीनों अगर इक्वल आती तो वो इक्विलेटरल होता, लेकिन अभी तक दो ही, दोनों दो आई हैं और दोनों की दोनों इक्वल नहीं हैं। अब थर्ड निकालने से मुझे पता चलेगा कि वो या तो इसकी इक्वल आए या इसके इक्वल आए, तो आइसोसेलेस होगा, नहीं तो फिर हम देखते हैं कि क्या वो इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, ए सी की लेंथ फाइंड करने वाले हैं। तो ए सी के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2,
सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, तो इसको मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2, और अब क्या लगाने वाले हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला। ए सी इज इक्वल टू रूट, वैल्यूज पुट करते हैं, x2 इज 2, x1 इज 3 का होल स्क्वायर, y2 इज 3, y1 इज 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 2, 1 का स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस 1, दैट इज रूट 2। तो ए सी आया है आपके पास सिर्फ रूट 2। तो अब मैं सारी लेंथ यहाँ पर लिख लेती हूँ, ए बी क्या आया है, बी सी क्या आया है और ए सी क्या आया है। ए सी है रूट 2, ए बी आया था आपके पास 5√2, और बी सी आया था आपके पास 2√13। ओके, तो अब क्या इसके अंदर मेरे को तीनों के तीनों तो इक्वल नहीं है, राइट? दूसरी बात देखी जाए कि क्या ये आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस भी नहीं है, कि यानी कि कोई दो साइड्स भी इक्वल नहीं है। तीसरी क्या बची, तीसरी बची आपके पास हाइपोटन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। हाइपोटन्यूज के लिए हमारे पास सबसे बड़ी डिजिट होनी चाहिए, तो तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, बी सी सबसे बड़ी वैल्यू है। तो देखते हैं बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आता है या नहीं आता। तो बी सी का स्क्वायर क्या है, 2√13, ए बी इज 5√2, ए सी इज रूट 2, 2 का स्क्वायर 4, रूट 13 इंटू रूट 13 इज 13, 5 का स्क्वायर इज 25, रूट 2 का स्क्वायर इज 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर इज 2। तो 13 मल्टीप्लाई 4 इज 52, 25 मल्टीप्लाई 2 इज 50 प्लस 2, यस 52 इज इक्वल टू 52, यानी कि आपकी कौन सी ट्राइंगल बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर आपकी क्या चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, हाइपोटन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर मैं इसको बनाऊँ ट्राइंगल को तो क्या बनेगा, ये आया है मेरे पास बी सी, जो है वो क्या है, हाइपोटन्यूज है। तो ये मैंने लगा दी बी सी, जिसकी वैल्यू क्या आई है आपके पास, 2√13, और ये होगा ए एंगल। ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 5√2, और ए सी की वैल्यू क्या है आपके पास, 2√। तो ये आ गया आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए करते हैं एग्जाम्पल सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड है आपके पास एग्जाम्पल, शो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ये सारे के सारे स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो स्क्वायर क्या है आपके पास, लेट द स्क्वायर बी ए बी सी डी। तो मैं ये पॉइंट्स ले लेती हूँ, ये ए पॉइंट है 1, 7, बी पॉइंट है 4, 2, सी पॉइंट है -1, -1, डी पॉइंट है -4 एंड 4। ओके, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है डायगनल्स आर इक्वल। तो ये दो चीज़ें होती हैं, ये दो कंडीशन हैं, कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो मैं कह सकती हूँ कि जो गिवन फिगर है वो एक स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मेरा सिर्फ यहाँ तक हो कि यानी कि चारों साइड्स इक्वल हो, तो यानी कि वहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, या तो वो स्क्वायर हो सकता है या वो रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस इज़ ऑल्सो अ फिगर जिसके चारों के चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लेकिन अगर उसके डायगनल्स इक्वल आ जाएं तो वो स्क्वायर है, अगर उसके डायगनल्स अनइक्वल आ जाएं तो वो क्या है, रोम्बस है। लेकिन हमें पॉइंट, हमें शो करने की जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो यानी कि पहले हमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें प्रूव करना होगा। उसके बाद ए सी विल बी इक्वल टू बी डी, ये भी हमें प्रूव करना होगा। चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे हम। पहले मैंने ले लिया ए, दैट इज 1, 7, फिर ले लिया बी, दैट इज 4, 2। इन दोनों की क्या निकालूंगी मैं, लेंथ। लेंथ कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस। तो ये होगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, लेट इट बी x1, y1, लेट इट बी x2, y2। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, और वैल्यूज पुट कर देते हैं इसके अंदर, x2 इज 4, x1 इज 1,
y2 is 2, y1 is 7. 4 minus 1, 3 ka square is 9. 2 minus 5, 2 minus 7 is minus 5 ka square. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले 3 का square. तो ये हो जाएगा 3 का square is 9 plus minus 5 का square is 25. तो AB कितना आ गया आपके पास? Root 34. ओके, अब सिमिलरली मैं निकालने वाली हूँ BC के लिए. BC तो B है 42, C है -1 -1. तो इसके लिए x1 y1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x2 y2. याद से हम इसको भी x2 y2, इसको भी x1 y1 मान सकते हैं. ऐसे हम कोई भी कोऑर्डिनेट्स आगे पीछे ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि क्या आ जाता है, इसका स्क्वायर आ जाता है. तो इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लो, या इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लो. चलिए निकालते हैं BC की वैल्यू. मैं फॉर्मूला इसी में ही पुट कर रही हूँ. दिस इज x2 माइनस x1 इज 4 प्लस y2 इज -1 माइनस y1 इज -2 का स्क्वायर. बस आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी होती है कि आप वैल्यूज इसकी करेक्ट पुट करो. तो -1 -4 का स्क्वायर इज -5 का स्क्वायर, -1 -2 इज -3 का स्क्वायर. तो ये आ चुका है आपके पास, 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9. तो अगेन 25 + 9 इज √34. तो बी सी की भी वैल्यू कितनी आ चुकी है? √34. अब हम क्या करने वाले हैं? सी डी की वैल्यू निकालेंगे, फिर ए डी की वैल्यू निकालेंगे. सो सी डी के लिए सी है ये, डी है दीज पॉइंट्स. तो लेट इट बी x1 y1, लेट इट बी x2 y2. डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर और वैल्यूज पुट करते हैं. x2 इज -4 माइनस x1 इज -1. तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है और यहाँ पे वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 का होल स्क्वायर. सिमिलरली y2 इज 4 माइनस y1 इज -1. तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस +1 का स्क्वायर. -4 + 1 इज -3, -3 का स्क्वायर. 4 + 1 इज 5 का स्क्वायर. तो सी डी कितना आ गया आपके पास? 9 + 25, दैट इज अगेन √34. सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? हम निकालेंगे ए डी की. ए के लिए क्या है आपके पास कोऑर्डिनेट्स? 1 7. डी के लिए क्या है? -4 4. तो आप इसके लिए क्या करेंगे? x1 y1, इसके लिए क्या करेंगे? x2 y2. तो मैं इसी फॉर्मूले में पुट करने वाली हूँ. x2 इज -4 माइनस x1, y2 इज 4 माइनस y1 इज 7, -4 - 1 इज -5 का स्क्वायर, 4 - 7 इज -3 का स्क्वायर. तो ये कितना आ गया आपके पास? 25 + 9. ये भी कितना आ गया? √34. तो अब तक हमने क्या प्रूव कर लिया? कि ए बी इक्वल है सी डी के, सॉरी बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, इक्वल टू ए डी. कितना आया है? √34. यानी कि यहाँ तक तो मेरे पास प्रूव हो गया कि ऑल साइड्स आर इक्वल. यहाँ पर बच्चे आके एक मिस्टेक करते हैं कि उनको लगता है सारी साइड्स इक्वल हैं तो बस यहीं पर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया. बट नहीं, यहाँ आकर आपका क्वेश्चन हाफ कंप्लीट हुआ है. यहाँ आके दो कंडीशन बनती हैं. जब दो चारों की चारों साइड्स इक्वल हो जाएं तो दो कंडीशन है, या तो आपकी फिगर क्या है स्क्वायर है, या आपकी फिगर क्या है रॉम्बस है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है कि हम चेक करेंगे डायगोनल्स. अगर डायगोनल्स इक्वल आते हैं तो वो आपका स्क्वायर है, अगर डायगोनल्स अनइक्वल आते हैं तो वो आपका रॉम्बस है. तो यहाँ डायगोनल्स कौन से बन रहे हैं? ए सी एंड बी डी. तो हम निकालने वाले हैं सबसे पहले ए सी की वैल्यू. तो ए की कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 1 7 1 7. सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 -1. तो अब क्या करने वाले हैं? इसके लेंथ निकालेंगे हम. ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2. तो ए सी फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? यही फॉर्मूला है. इसमें पुट करते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर, y2
माइनस वाई वन होल स्क्वायर, माइनस टू का होल स्क्वायर, माइनस वन, माइनस सेवन, माइनस एट का होल स्क्वायर, ये आ गया फोर, ये आ गया 64। तो एसी की वैल्यू आ चुकी है आपके पास रूट 68। सिमिलरली अब एक तो डायगनल की आ चुकी है, अब मैं निकालूंगी बी डी की। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 4, 2 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस 4, 4। बी के कोऑर्डिनेट्स 4, 2 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स माइनस 4, 4। फॉर दिस ये हो जाएगा एक्स वन वाई वन, ये हो जाएगा एक्स टू वाई टू। तो बी डी निकालते हैं, एक्स टू यही फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ये माइनस फोर, माइनस फोर माइनस एट का स्क्वायर, फोर माइनस टू इज टू का स्क्वायर। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एट का स्क्वायर 64, टू का स्क्वायर इज 4। तो बी डी आ गया आपके पास रूट 68। तो यू कैन सी यहाँ पर कि ए सी की वैल्यू भी रूट 68, बी डी की वैल्यू भी रूट 68। तो ये तो आई गए, साथ में हम क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो क्या लिखेंगे हम, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी, हेंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये क्या है, एक स्क्वायर है। चलिए करते एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड क्या कहता है कि एक फिगर आपको दे रखी है, वो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। ये क्लासरूम है, यहाँ पर एक डेस्क रखे हैं, यानी कि ए पॉइंट पे ए डेस्क है, बी पॉइंट पे सेकंड डेस्क है, सी पॉइंट पे थर्ड डेस्क है। आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट ए बी सी। आशिमा यहाँ बैठी है, भारती यहाँ बैठी है और कैमिला यहाँ बैठी है। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, क्या आपको लगता है कि वो एक लाइन में बैठे हैं। तो लाइन क्या है, एक कंडीशन है, यानी कि अगर मैं प्रूव कर दूं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो मैं बता सकती हूँ कि ये एक लाइन है। ऑब्वियसली कभी भी लाइन की कंडीशन आपको बतानी हो तो आप कैसे बताते हो, मान लीजिए ये तीन पॉइंट हैं ए बी सी, अगर मैंने प्रूव कर दिया ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो वो मेरी एक लाइन है। अगर मैं इसकी एक और फिगर बनाती हूँ ए बी सी डी की, मान लीजिए ये है, ये ए बी और ये सी है, तो ए बी प्लस बी सी क्या इक्वल होगा ए सी के, नो। तो यानी कि कंडीशन क्या बनी, सिर्फ एक लाइन की कंडीशन बनी कि अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्रूव हो जाए तो मैं बता सकती हूँ वो एक लाइन है। तो यहां मैं कोऑर्डिनेट्स लिखने वाली हूं ए के, यहां पर बी के और यहां सी के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी वैल्यू ए बी की। तो ए बी के लिए डिस्टेंस चाहिए मुझे, लेट इट बी एक्स वन वाई वन, लेट इट बी एक्स टू वाई टू एंड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू निकालते हैं, एक्स टू 6 माइनस थ्री होल स्क्वायर, वाई टू 4 माइनस वन होल स्क्वायर, 6 माइनस थ्री, थ्री का स्क्वायर, 4 माइनस वन, थ्री का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 9 प्लस 9, दैट इज रूट 18। रूट 18 को अगर मैं फैक्टर्स बना के बाहर निकालूं तो क्या बनते हैं, तो 18, 2, 9, 3, 3 ये बन गए 2। तो ये हो सकता है 3 और रूट के अंदर क्या रहेगा 2, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3√2 यूनिट्स, यानी कि ये इसकी लेंथ आ गई। यूनिट्स का मतलब मुझे नहीं पता ये मीटर्स में बैठे हैं या सेंटीमीटर्स में बैठे हैं, आई डोंट नो। ओके, तो मैंने निकाल लिया ए बी का डिस्टेंस, अब मैं निकालने वाली हूँ बी सी का डिस्टेंस। तो बी सी के लिए ये एक्स टू वाई टू माना ही हुआ है मैंने, फिर मैं इसको एक्स वन वाई वन मान लेती हूँ, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं, एक्स टू इज 6, एक्स वन इज 8 का होल स्क्वायर, वाई टू इज 4 माइनस वाई वन इज 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 6 माइनस 8 इज 2 का स्क्वायर, 4 माइनस सॉरी माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 6 इज माइनस 2 का स्क्वायर। तो माइनस 2 का स्क्वायर इज 4,
प्लस 4, तो बी सी आ गया आपके पास रूट 8। रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8, 2, 4, तो ये डबलेट ये बाहर आ जाएगा, क्या लिखेंगे रूट के अंदर क्या रहेगा, सिर्फ रूट 2। तो ये हो सकता है बी सी इज इक्वल टू 2√2 यूनिट्स। तो अब थर्ड स्टेप क्या बचा है मेरे पास, मुझे निकालना है ए सी का डिस्टेंस। तो ए सी के डिस्टेंस के लिए ए है 3, 1, सी है 8, 6, और अब मैं मान लेती हूँ इसको x1, y1, इसको मान लेती हूँ x2, y2। तो ए सी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला बोलिए x2 − x1² + y2 − y1² वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, x2 is 8, x1 is 3² y2 is 6, y1 is 1² 8 − 3 is 5, 6 − 1 is 5, तो 5² = 25, 5² = 25, तो ये आ गया √50। √50 को अगर मैं चेक करूँ, रूट्स बनाऊँ, तो क्या बन सकते हैं इसके, ये चीज़ बाहर और रहेगी सिर्फ ये अंदर, तो ये हो गया 5√2। तो इसको लिख सकते हैं 5√2 यूनिट्स। चलिए अब चेक करते हैं कि क्या ये लाइन बनाते हैं। लाइन बनाने के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो क्या ये बनती है, ओके सो ए सी की वैल्यू है आपके पास 5√2, ए बी की वैल्यू क्या निकाली है आपने 3√2, एंड बी सी की वैल्यू निकाली है 2√2, तो ये हो गया 3√2 + 2√2 5√2। आप यहाँ देख सकते होगे 3√2 + 2√2 = 5√2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या लिखेंगे, यस ए बी सी फॉर्म्स ए लाइन, यानी कि वो एक लाइन बनाती हैं और आशिमा भारती कैमला एक लाइन में बैठी हुई है। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 4th। एग्जाम्पल 4th कहता है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन बताओ सच दैट द पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे है इन दो पॉइंट्स के। मान लीजिए ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, और ये इक्वल डिस्टेंस पर है ए पॉइंट के जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 1, और इस पॉइंट के बी पॉइंट के जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5, यानी कि हमें गिवन है कि जो पी है वो इक्वल है ए के, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस है ए के और उतना ही डिस्टेंस बी के इक्वल है। इन शॉर्ट हमें क्या दिया हुआ है, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये हमें गिवन है। और हमें क्या करना है, हमें रिलेशन बताना है एक्स वाई में। जब कभी भी पूछा जाए रिलेशन इन एक्स वाई, तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो एक इक्वेशन आएगी, और वो इक्वेशन किसकी फॉर्म में होगी, एक्स और वाई के फॉर्म में होगी। तो यहाँ हमें दे रखा है ए पी इक्वल्स टू बी पी, तो अगर मैं इसको मान लूँ एक्स वन, इसको मान लूँ वाई वन, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स टू, ये हो जाएगा वाई टू, तो मैं ए पी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूँ, और सिमिलरली बी पी के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी। क्यों, क्योंकि मुझे दोनों डिस्टेंस क्या दे रखे हैं, इक्वल, तो दोनों को मैं इक्वल रख देती हूँ और उसको सॉल्व करूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, रिलेशन आ जाएगा एक्स और वाई की फॉर्म में। चलिए शुरू करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, x2 − x1² + y2 − y1² सिमिलरली इसके लिए भी सेम रहेगा, बट हमारे पास x1 और y1, x2, y2, ap के लिए जोन से हैं हम वो पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, x2 क्या है 7 माइनस x1 इज x का होल स्क्वायर, y2 इज 1 माइनस y1 इज y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में bp की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ये हो जाएगा x2 y2 x1 y1, यही रहने देते हैं। चलिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y2 इज 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, रूट से रूट क्या हो सकता है, कैंसिल, या तो ये स्टेप कर लो, अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं तो भी रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास 7 − x² + 1 − y² + 3 − x² +
फाइव माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम ओपन करने वाले हैं फॉर्मूला, कौन सा बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। बस हम इसको ओपन करने वाले हैं, तो ए स्क्वायर सेवन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी। सिमिलरली यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहाँ पर भी ओपन करेंगे। थ्री का स्क्वायर नाइन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहाँ पर भी। फाइव का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस टू इंटू फाइव इंटू वाई ए बी। चलिए इसको ओपन कर देते हैं, ये आ गया आपके पास 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इज इक्वल टू नाइन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 टू ज़ा 10y। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, तो हम वो चीज़ें कैंसिल करेंगे जिनके साइन क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे कि 49 है, यहाँ 49 नहीं है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। आगे चलो, माइनस 14x वन, फिर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब और कुछ चीज़ें नहीं बचती हैं, अब क्या बचा हमारे पास, बस हम उसको आगे लिखने वाले हैं। 49 प्लस वन इज 50 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल टू 9 प्लस 25 इज 34 माइनस 6x माइनस 10y। अब क्या करने वाले हैं, ये सारी की सारी चीज़ उठा के हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, क्या हो जाएगा ये, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर इक्वेशन, ये सारी की सारी मैं टर्म लेकर जा रही हूँ राइट हैंड साइड में। क्या आएगा मेरे पास, 34 प्लस का इधर आके माइनस का 50 माइनस 6x माइनस 14 है उधर आके प्लस का 14x फिर माइनस का 10y और ये माइनस का 2y है उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए 34 माइनस 50 इज माइनस 16, 14 माइनस 6x, 14x माइनस 6x इज प्लस का 8x, माइनस 10y प्लस 2y इज माइनस 8y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसको लिखने कैसे वाले हैं, पहले 8x फिर y और फिर कांस्टेंट टर्म, या इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 8 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। 8 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 0 डिवाइड बाय समथिंग इज 0, क्या बची रिलेशन आपके पास, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर। चलिए करते हैं एग्जाम्पल फिफ्थ। एग्जाम्पल फिफ्थ क्या कहता है, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एक पॉइंट फाइंड करो वाई एक्सिस पर जो इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस पे है पॉइंट ए एंड बी से। जैसे हमने अभी अभी पॉइंट लिया था, पॉइंट पी लिया है हमने, जैसे वो इक्वल डिस्टेंस पे है किससे, 6 5 एंड बी पॉइंट है आपके पास माइनस 4 3। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनकी पी जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर है इन दोनों से। हमें वो पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें दिया क्या हुआ कि ये पॉइंट लाई करता है किस पे, वाई एक्सिस पे, यानी कि ये जो एक्सिस है ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे बताओ, अगर ये आप लोगों का ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है और यहाँ कोई एक पॉइंट है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स आप कैसे लिखोगे, एक्स के लिए क्या आएगा 0, वाई यानी कि 1 2 3 ये आ जाएगा 3। तो आपने क्या किया है, जो भी पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे आया वहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0। तो अगर हमें बोला गया है कि ये पॉइंट आपका वाई एक्सिस पर है, तो हम जब इसकी वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 0, और वाई की कोई ना कोई क्या आएगी, वैल्यू आएगी। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, वो कौन सा पॉइंट, जो पॉइंट आपका वाई एक्सिस पर लाई करता है। अगर सेम
बोला जाता है कि ये x एक्सिस पे लाई करता है, तो x एक्सिस के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये 1, 2, 3 यहाँ पर, अब इस पॉइंट को बताना आपने, तो क्या लिखोगे, पहले x एक्सिस और फिर y के लिए क्या हो जाएगा, 0। तो x एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, 0, लेकिन y के लिए x क्या हो जाएगा, 0। अब ये इक्वी डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, ए पी इज इक्वल टू पी पी। तो हम फिर सेम बिल्कुल वही करेंगे जो हमने एग्जाम्पल 4 में किया है, क्या ये एक्स वन वाई वन, या इसको मान लीजिए x1 y1, ये है आपके पास x2 y2, और सिमिलरली हम इसके लिए जब AP के लिए यूज़ करेंगे तो ये यूज़ करेंगे, BP के लिए तो ये हो जाएगा x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, BP के लिए भी सेम। तो अब वैल्यूज पुट करने वाले हैं, AP के लिए x2 कितना है, 6, माइनस एक्स वन क्या है, 0, वाई टू क्या है, 5, माइनस वाई वन क्या है, 5 इज इक्वल टू। अब बी पी के लिए हम राइट हैंड साइड में बी पी यूज़ कर रहे हैं, तो एक्स टू क्या है, बी के लिए माइनस 4, माइनस एक्स वन इज 0, वाई टू इज 3, वाई वन इज y का स्क्वायर। अब क्या करने वाले हैं, या तो रूट से रूट सीधा कैंसिल, या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट वैसे ही उसका कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, 6 माइनस 0 का स्क्वायर, 5 माइनस y का स्क्वायर, माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस y का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 6 माइनस 0 इज 6, 6 का स्क्वायर इज 36। यहाँ क्या लग जाएगा फॉर्मूला, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ap। माइनस 4 माइनस 0 इज माइनस 4 का स्क्वायर इज 16। यहाँ क्या लग जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओपन कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 36 प्लस 25 इज 1, कैरी ओवर 1, 61 प्लस y का स्क्वायर माइनस 10y, ये 16 प्लस 9 इज 25 प्लस y का स्क्वायर माइनस 6y। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, y का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस सारी के सारी टर्म उठा के हम कहाँ ले आएंगे, राइट हैंड साइड पे, क्या बनेगा आपके पास, 25 माइनस 61 माइनस 6y, प्लस का ये माइनस का 10y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 10y इज इक्वल टू 0। अब 61 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, माइनस का 36, और 10 में से माइनस 6 करेंगे तो होगा आपके पास प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ माइनस 6 36 से इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो लिखेंगे 4y इज इक्वल टू 36, दैट इम्प्लाइज y, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 36 डिवाइड बाय 4, दिस इज 9। तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास, 9। हमें निकालना है पॉइंट, यानी कि p पॉइंट, p पॉइंट अब क्या आ जाएगा, p पॉइंट था 0 एंड y, तो 0 कॉमा y की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 9। तो पॉइंट आ गया आपके पास ये, दिस इज योर आंसर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन 1-5। थैंक यू।